का आउट ऑफ जोन फील्डिंग कल के मैच के लिए आपके दो शब्द, क्या शब्द है? 10 पॉइंट वाला मेटा है। अगर वो 4 किल, हमारे 4 किल लेने का ट्राई कर रहे थे, 4 किल्स भी बहुत होते हैं। वो हमारा 4 किल्स लेके और 2-3 किल मार के 7-8 पॉइंट निकाल लेते तो एवरेज हो जाता है। ऐसा कुछ सीन नहीं है। 10 पॉइंट वाले मेटा में किल्स ज्यादा मैटर करते हैं, तो सही है, ऐसा करना चाहिए। मतलब कैंप वगैरह क्या न्यू लगाना मेटा के चाहिए। हिसाब से 2 फिंगर प्लेयर्स को 5 फिंगर्स पे शिफ्ट करना चाहिए क्या? पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो कोई भी एक मिनिमम 4 फिंगर तो होना चाहिए, मिनिमम 4 मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा मैं मेजरली बताऊँ तो कंट्रोल वगैरह मैटर नहीं करते यार, फिंगर वगैरह इतना है वो। जैसे देखा जाए तो अपना मान्या भी 3 फिंगर है, IGL होके भी वो इतना मारता है, तो फिंगर्स वगैरह इतना कुछ सीन नहीं है। सिचुएशन और क्या बोलते हैं, सिचुएशन और प्लेस ही मैटर करते हैं, इतना कुछ सीन नहीं। बट मेरे हिसाब से 4 और 5 ज़्यादा एडवांटेज रहता है प्लेयर्स को, क्योंकि हर एक चीज़ कर पाते हैं उससे। जंप, क्राउच, फायर, पीक, स्कोप, सभी चीज़ हो जाता है। और थंब वालों का DBS बहुत स्ट्रांग रहता है और क्लोज में निंजा मार देता है मिलते हैं DBS। आपको। आप कब आएंगे? आप वेरी सुन, वेरी सुन मिस करेंगे गेमिंग हाउस को। कैसा था आपका एक्सपीरियंस गेमिंग हाउस? इज लव गेमिंग हाउस का एक्सपीरियंस कैसा था? अमेजिंग है। तुम क्यों हंस रहा है? कैसा था? इट्स लाइक अ होम। कल रील आएगी, कल आने वाला है भैया। हाँ, न्यू भाई की स्टोरी भी देख लेते हैं, क्या सीन है भैया? ऐसा चेंजेस इज नेसेसरी, बट वो किसके बिहाफ पे कर रहे होंगे बात यार, इस चीज का मुझे पता नहीं है। स्टोरी में देखा मैंने, चेंजेस नेसेसरी, बट ये किसके उस पे पर्सपेक्टिव बात कर रहे होंगे? अपनी टीम के रिगार्डिंग तो नहीं होना चाहिए ब्रो फिलहाल। आई डोंट थिंक कि कोई बदलाव मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ब्रो अभी के लिए। आई डोंट थिंक टीम के रिगार्डिंग तो नहीं हो भाई, होना चाहिए भाई मेरे ख्याल से। इट्स बेटर या तो भाई शफल वाला रखो भाई, अगर 5 बंदे हैं अगर एक उसमें भाई, मेरे ख्याल से तो भाई होना चाहिए। तब आपस में ही उसको शफल करते रहे, जैसे जेली, जोनाथन, अपोलो, जीगॉड, आदित्य है। अगर सबको पता है भाई नियो भी पार्ट है अपने गॉड लाइक के, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा उसकी रिगार्डिंग बात करोगी। पाशा भाई को कम बैक, बट मेरे ख्याल से भाई अगर आपको याद होगा जब आइकू का 2023 का इवेंट रहा था ऑनलाइन वाला, तब पाशा भाई आए थे भाई। उस टाइम पता नहीं हाथ में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी खेले थे वो, और भाई टीम को जिताने में एक मेन रोल रहा था। बट मुझे लग नहीं रहा है अभी, आई डोंट थिंक नियो भाई अभी एंट्री करेंगे मेन प्लेइंग फोर में, और शायद इस चीज़ को लिए जैली एंड मेम आई डोंट थिंक कि जो उनके मैनेजमेंट के वो भी इस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। गेम्स भाई आपकी